नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज आपको एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक वीर योद्धा योद्धा की तरह लड़ा और अंग्रेजों की पतलून गीली करी। तो साथियों, अमित राजपूत द्वारा लिखी गई ये कहानी किस प्रकार की है, आगे सुनिए। भारत की स्वाधीनता की पहली लड़ाई में अवध संग्राम का केंद्र था, तो वहीं इसका गर्व था ब्रह्मवर्त। ग्रैंड ट्रंक रोड पर ब्रह्मवर्त यानी आज का विठुर यदि शीश मुकुट है, तो अंतर्वेद यानी फतेहपुर उसका हृदय स्थल। 18वीं शती का एकदम उत्तरार्ध आया कि खागा के तत्कालीन तालुकेदार श्रीमंत मर्दन सिंह की गढ़ी में साल 1795 ईस्वी में उस रणवाकुरे का जन्म हुआ जिसमें पाश्विक बल समाया है, जिसने मातृभूमि के हित के लिए लड़ी गई दुनिया के इतिहास की सबसे लंबी लड़ाई में दुश्मनों पर अपने भुजदंडों का यूं प्रहार किया कि उन्होंने क्षण भर में ही यमराज के दर्शन पा लिए, जिसकी तलवार के एक ही प्रहार से अंग्रेजों के सिर कटकर उनके पदचिन्ह चूमने लगे, जिनका आकर्षक गौरवपूर्ण सुगठित काय, लाल डोरों वाली बड़ी बड़ी आंखें, लंबा छरहरा कद, विशाल बाहु, तेजस्वी उन्नत माथा, देव्य मान, मुख्यमंडल, शीश पर जटा, ललाट पर रोली का रक्त तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला और शत्रुओं का रक्त पीने के लिए लप लपाती जीव सी खड़ग लिए मूर्तिवान आभा ने अंतर्वेद की गरिमा को सदा सदा के लिए मंडित कर दिया है। ये वीर बालक खागा की भुजसम चारों नदियों के समेकित शक्तिशाली दरियाब की शक्ति लेकर पैदा हुआ, तो इसका नाम धरा गया दरियाब। यही बालक 1857 के स्वतंत्रता समर में अंतर्वेद का महान योद्धा दरियाब सिंह लोधी सिद्ध हुआ, जिससे घबराकर 1857 की क्रांति के लगभग 6 बरस पहले ही फतेहपुर का तत्कालीन अंग्रेज मजिस्ट्रेट और कलेक्टर चार्ल्स वॉल्टर किल्लो कह गया कि हम अपने सामने एक ऐसा घमंडी और अशिक्षित व्यक्ति देखते हैं जो अतुल्य पाश्विक बल, महान व्यक्तित्व, साहस और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा रखता है। खागा के तालुकेदार दरियाब सिंह लोधी के रौबीले व्यक्तित्व और असीम पराक्रम के सामने अंग्रेजों की चू तक नहीं निकलती थी। हालांकि उन्हें अपने पिता मर्दन सिंह से मिली तालुकेदारी के बाद से ही अंग्रेजों से मिल रही लगातार चुनौतियों का नित्य सामना करना पड़ा, जिसके चलते इनकी तालुका का तमाम अर्थ उसमें व्यय हुआ। ठाकुर दरियाब सिंह अपने पिता मर्दन सिंह की मृत्यु पर सन 1824 ईस्वी में इस तालुका के उत्तराधिकारी हुए। दरियाब सिंह को जो भी राणा ने पैंसवाड़ा और शंकरपुर की तालिका समेत वहां के तमाम बैस क्षत्रियों के साथ मिलकर एक स्वर में ठाकुर की उपाधि से नवाजा। उन्नाव के टोंडिया खेड़ा के एक अन्य बैस क्षत्रिय तालुकेदार और दरियाब सिंह के मित्र राव राजा राम बख्श सिंह ने भी इसका पुरजोर समर्थन किया। तभी से ठाकुर की उपाधि पाने के बाद दरियाब सिंह लोधी ठाकुर दरियाब सिंह कहे जाते हैं,
जैसा कि कलेक्टर किल्लॉक ने कहा, बहरहाल 1857 की क्रांति का बिगुल बजने से पहले ही दरियाब सिंह ने अपने वीर पुत्र सुजान सिंह लोधी को खागा की ताल्लुकेदारी सौंप दी और स्वयं चारों ओर दिशाओं में अंग्रेजों की चाल भांपने और अपने सभी मित्रों, मसलन इलाहाबाद में मित्र लियाकत अली, बिठूर में अपने मित्र नाना साहब पेशवा और रायबरेली में अपने मित्र राणा बेनी माधव को सहायता देने आदि में जुट गए। इलाहाबाद कानपुर के बीच में फतेहपुर आदि महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र था, जिसका नेतृत्व दरियाब सिंह और वहां की ताल्लुकेदारी उनके लड़ाके वीर पुत्र सुजान सिंह के कंधों पर थी। नारस की क्रांति के बाद अवध में उम्मीद जागी। बिठूर में इस उम्मीद को यकीन में बदलने की योजना बनी और नाना के नेतृत्व में क्षेत्र के रणनीतिकार जमा हुए। इसमें छापामार युद्ध कौशल के महागुणकारी दरियाब सिंह लोधी भी प्रमुख रूप से हिस्सेदार थे। 4 जून को कानपुर की क्रांति के बाद दरियाब सिंह राणा बेनी माधव के यहाँ आगे की रणनीति बनाने पहुँचे, लेकिन इधर 3 दिवस बीतते ही 7 जून को इलाहाबाद में क्रांति का झंडा गाड़कर लगभग 200 घुड़सवार क्रांतिकारी कानपुर की ओर बढ़े और खागा आकर ताल्लुकेदार सुजान सिंह से मिले। खागा में सुजान सिंह कानपुर का समाचार पाने के बाद से ही अपने क्रांतिकारी सैनिकों और किसान जनता आदि के साथ पहले ही तैयारी में बैठे थे। लिहाजा इलाहाबाद में घुड़सवारों के आते ही सुजान सिंह ने अपने पिता दरियाब सिंह की अनुपस्थिति में ही 8 जून 1857 को खागा के तहसील पर हमला कर दिया। देखते ही देखते सुजान सिंह ने तहसील समेत खागा के सरकारी खजाने और अन्य संपत्तियों पर कब्जा करके वहीं स्वतंत्रता का ध्वज फहरा दिया। 9 जून को दरियाब सिंह स्वयं और शिवदयाल सिंह रघुवंशी तथा जोधा सिंह अटप्पा जैसे प्रमुख क्रांतिकारी समेत फतेहपुर की आज़ादी का सपना अपनी आंखों में लिए जनपद के कोने कोने से अनेक क्रांतिकारी आकर जिला मुख्यालय में जमा हो गए। 10 जून 1857 को क्रांतिकारियों ने फतेहपुर के सरकारी खजानों पर अधिकार कर लिया। मजिस्ट्रेट मिस्टर टक्कर जान बचाने के लिए कोषागार की छत पर चढ़ गया, लेकिन फतेहपुरियों की आंखों में उबलते सोलों को देखकर ना सिर्फ उसकी पतलून गिली हुई बल्कि उसने स्वयं पर गोली भी दाग ली और आत्महत्या कर बैठा। इसके बाद क्रांतिकारियों ने कोषागार की छत पर चढ़कर यूनियन जैक के झंडे को उतार फेंका और वहां आज़ादी का झंडा फहरा दिया। 8 जून को खागा और 10 जून 1857 को संपूर्ण फतेहपुर जनपद आज़ाद हो गया और यह आज़ादी प्रथम स्वाधीनता संग्राम की सबसे लंबी खागा 34 दिनों तक और अखिल जनपद फतेहपुर पूरे 32 दिनों तक आज़ाद रहा। तो साथियों, ये कहानी थी ठाकुर दरियाब सिंह लोधी की। ठाकुर की उपाधि उन्हें मिली हुई थी, ठाकुर दरियाब सिंह, जिनके नाम से अंग्रेजों की पतलून गीली हो जाती थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही वीर योद्धाओं की कहानी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल एक संदेश के साथ। जय हिंद।